काशी क्षेत्र के 16 जिलों में प्रत्येक कार्यकर्ताओं की चिंता करने वाले हमारे सम्मानित क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश श्रीवास्तव जी से आग्रह है कि आप माननीय मुख्य अतिथि के सम्मान में दो शब्द कहें। श्री महेश श्रीवास्तव जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके अभिभावक और प्रत्येक कार्यकर्ता के दिल में बसने वाले और प्रत्येक कार्यकर्ता के हर प्रकार से चिंता करने वाले और जिसके मन में, जिसके कार्य प्रणाली में भी हमेशा कार्यकर्ता का भाव होता है, ऐसे हम सबके अभिभावक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का आज जौनपुर की धरती पर हार्दिक अभिनंदन वंदन है। एक बार हम सब हर हर महादेव के नारे के साथ आपका अभिनंदन करेंगे। हर हर महादेव। मित्रों, हम सबको आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को सुनना है और जौनपुर के लिए जब से 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से रोड के दृष्टि से, सड़क के दृष्टि से हम देखेंगे तो यहाँ 1,000 करोड़ से ऊपर का काम पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया गया आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, तो जौनपुर को विशेष पैकेज हमेशा मिला है। ऐसे उप मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए हम उनके मार्गदर्शन को आज सुनने का काम करेंगे। हम सभी कार्यकर्ता आज 2022 सामने है, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का काम करेंगे। आज हम सब कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा बताए हुए रास्ते को चलने और सीखने का काम करेंगे। मैं बहुत समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपका, पूरे जौनपुर के संगठन का और मंच पर बैठे हुए सभी हमारे आदरणीय मंत्री जी गिरीशचंद्र यादव जी, आदरणीय विधायक हरेंद्र सिंह जी, आदरणीय विधायक रमेश जी, आदरणीय विधायक रीना जी के सहित जिलाध्यक्ष पुष्पराज जी, जिलाध्यक्ष रामविलास जी सहित मंच पर बैठे हुए आदरणीय केपी सिंह जी पूर्व सांसद का मंच के पूरे मंच का अभिवादन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।